एक रिटायर सैनिक पहले देश की सेवा अब गांव की सेवा करने में जुटे हुए हैं। मुंगेर से रोहित कुमार की रिपोर्ट। जिले के संग्रामपुर प्रखंड एवं टेटिया बंबर प्रखंड को जोड़ने वाला सड़क को लेकर के दुर्मटा पंचायत के सरोना ग्रामवासी के द्वारा सड़कों का निर्माण कराया जा रहा है। बार बार मांग करने के बाद जानकारी के अनुसार सरोना गाँव निवासी सह पूर्व रिटायर सैनिक भरत मंडल के द्वारा यह बताया गया कि हम लोगों के द्वारा इस सड़क को बनाने के लिए कई सांसद मंत्री विधायक से कई बार लिखित आवेदन दे करके सड़क का निर्माण करने को लेकर के आग्रह किया गया है, लेकिन अभी तक कोई पदाधिकारी विधायक सांसद एवं किसी तरह का कोई प्रतिनिधि से इसके हित के लिए नहीं सोचा है। यह सड़क की लंबाई लगभग 4 से 5 किलोमीटर तक का है। यह सड़क ग्राम सरोना से लेकर के टिटिया बंबर प्रखंड के बढ़िया गाँव को जोड़ने वाली सड़क है। इस सड़क को बनने से लगभग हजारों किसान एवं कई परिवार हो जाएंगे खुशहाल। वही पूर्व सैनिक ने बताया कि हम अपने निजी पैसे से लगभग 1.5 किलोमीटर तक सड़क का मिट्टी भराई का काम आज से 4 माह पूर्व करवाए थे। इस कार्य को करवाने में लगभग मेरा 4 लाख रुपया से अधिक खर्च हो चुका है। दोनों प्रखंडों के किसानों के सहयोग से हमने अपने स्थानीय विधायक, स्थानीय सांसद एवं ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री को भी मैंने लिखित आवेदन दिया है, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हो सका है। वही अगर सरकार की योजना की बात किया जाए तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वरोजगार योजना के तहत अगर इस कार्य योजना कराया जा रहा है तो इससे बड़ी सड़क है, बांध इत्यादि बनवाया जा सकता है, लेकिन इस सड़क को देखने वाला कोई नहीं है। वहीं ग्रामीण संजय यादव, श्रवण कुमार, सुरेंद्र मंडल, सुरेश प्रसाद, प्रदुमन यादव, सौरव कुमार, कंचन देवी, सुबोध मंडल, शेखर झा, गुड्डू झा, सुरेंद्र यादव, वीरेंद्र यादव, नारायण गुरुजी, पवन यादव, संजय शर्मा, गौतम कुमार, विमल यादव सहित सैकड़ों ग्रामीणों के द्वारा यह बताया गया कि यह सड़क अकोला मौजा एवं खरगोन मौजा बटिया बांध बेलहरनी नदी के तट पर स्थित है। अब देखा जा सकता है कि एक सैनिक जो कि पूरा देश का रक्षा करता था, वह रिटायर हो चुका है, वह अपने गांव का सेवा करने को चले हैं, लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि सैनिक अपने जी जान से इस सड़क को बनाने में लगे हैं, लेकिन सरकार में क्यों करण से कब सो के जग रही है। एक सैनिक को मदद करना मुनासिब नहीं समझ रही है सरकार, ऐसा आखिर क्यों हो रहा है। रोड होना चाहिए हम लोग का, और क्या कठिनाई कहानी ये तो अरे पहले नहीं था, लेकिन अभी तो 6 महीना पहले इन लोग हम लोग अपने हल कुदाल फलना चिल्ला से इतना भर उड़ करके आने जाने का बना लिए हैं, लेकिन अभी इसमें कुछ सरकार का योजना चले। आपका मेरा संजय कुमार है कि रोड में जो है किसानों के लिए बहुत तकलीफ है। इसमें जो है कोई चीज़ हम गाड़ी छकरा ले जाएंगे तो ले जा नहीं पाते हैं। इसमें दूसरी बात है, इसमें जो है कोई भी यंत्र भी ले जाएंगे तो ले जा नहीं पाएंगे इधर से। जो रोड हो तो किसान के लिए बहुत फ़ायदा होगा इसमें, इसी के लिए है ये सब रोड के लिए। और मैं अपना वैसे अपना लागत लगा के इस रोड को जो है इतना कार्रवाई किए हैं, सरकार के इसमें कोई योजना अभी नहीं दिया मेरे को। तो जो है मैं कलेक्टर साहब को भी दिए हैं, विधायक को भी दिए हैं, जिला परिषद को दिए हैं, जो रोड मंत्री था जनादय मंत्री के हाथ में भी जाकर एप्लीकेशन दिए हैं। क्या आश्वासन मिला? अभी तक कोई नहीं मिला। उसका पीए भी जो है तारापुर स्कूट इंजीनियर को भी किया, तारापुर स्कूट इंजीनियर भी उस पर कोई कंधे नहीं किया है। आपका? मेरा नाम भरत मंडल है, सैनिक हूँ। घर सरोना प्रखंड टिटिया बंबर दोनों कर दिए।